and it's going to be, we're going to be the biggest industry in the future. In Adipurush, we had a lot of blue mat. Mm. Like, it's more of a blue mat than the set, but the visuals are like mind-blowing. सीरियसली मतलब आज तक मैं वरुण धवन को सबसे बड़ा हवाबाज एक्टर मानता था, जो अपने दिलवाले को नोलन चाचा की इंसेप्शन बोलते थे। लेकिन इस पोस्टर को देखने के बाद में एक बात साफ हो जाती है कि यस, वरुण धवन को टक्कर देने वाला प्रभास हवाबाज आ चुका है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ना गाइस, अगर ये मूवी का ग्लिम्स और ये मूवी एट द एंड ऑफ द डे एकदम टट्टी निकलती है ना, तो प्रभास जैसा बड़ा हवाबाज एक्टर मैंने आज तक देखा होगा और ना आगे कभी देखूंगा। ब्रो कीप्स एम्बैरेसिंग हिमसेल्फ एंड हिज फैन अगेन एंड अगेन एंड मल्टीपल टाइम्स, साला हाथ का उंगली खत्म हो जाता है यार, इतना ज्यादा हो चुका है। मतलब सीरियसली गाइस, इस पोस्टर को देख के ऐसा लग रहा है कि प्रभास अपने स्टारडम को पूरा ग्रांटेड ले रहे हैं। और अगर आपके प्रोडक्ट पे दम ही नहीं तो क्या जरूरत है सैन डिएगो कॉमिक कॉन में आके लॉन्च करने का? मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आपको इंडियन सिनेमा का बेइज्जती करने का है क्या? और अच्छा खासा सलार का टीजर लॉन्च किया था, मतलब एकदम मेकर्स और प्रोड्यूसर लोग एकदम मस्त वाला पेट पूजा चल रहा होगा, प्रभास भी थोड़ा बहुत अपना फालतू का स्टारडम जो खोया है वो पा लिया होगा। देन व्हाई दिस फर्स्ट डिसीजन यार, व्हाई? कोई पूछ रहा भी नहीं था आपको एक ग्लिम्स से फालतू के लिए सब करने के लिए। मतलब जितना हमने बाहुबली को बना के हमारे इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड लेवल पे ग्लोरीफाई और सेलिब्रेट किया था, उतना ही खराब, बदनाम और बेइज्जत ऐसे मूवीज और पोस्टर्स को प्रोड्यूस करके कर रहे हैं। लुक एट दिस पोस्टर यार, लोग बोल रहे हैं आयरन मैन का कॉपी किया, अरे यार कॉपी कर रहे हो तो सही से कर लेते। मतलब इधर अभी हमको बैठ के नोटिस करना पड़ेगा कि देखो देखो, हाँ इधर प्रभास का हाथ है, हाँ हाँ इधर प्रभास का पैर है, अरे यार इसका मुंडी इतना बड़ा है पूरा पोस्टर को छेक ले रहा है। ऊपर से स्पेशल इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग ऐसा फूका है ना यार कि मेरा आंख चुभ रहा है यार, ऐसा गोटी ऐसा आंख अभी बाहर आ जाएगा, फिर कंचे खेलेंगे हम लोग। प्रभास का फेस देख के लग रहा है कि जो सलार का जो लुक है ना वो डायरेक्ट इधर कॉपी पेस्ट कर दिया। मतलब यार इतना वाहिया तो थर्ड क्लास पोस्टर बनाना तो यार मेरे को बोल देते यार, मैं थोड़ा सा बेटर बना देता, ये लो मेरा पोर्टफोलियो। हाँ फिर मैं थोड़ा सा 600 करोड़ लूंगा। इतनी बड़ी मल्टी स्टारर मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हासन, राणा दग्गुबाती, दुलकर सलमान, नानी, सूर्या, दिशा पटानी, जो हमको नहीं पटानी, क्या मतलब पूरा 600 करोड़ इनपे फूक दिया। और ऊपर से ये लोग इंडियाज ग्रेटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं, लेकिन असल में कुछ और ही बना रहे हैं। एनीवेज गाइस, माय होप लेफ्ट द चैट। अब प्रभास को बस एक ही आदमी बचा सकता है, वो है प्रशांत नील। अब कुछ लोग आके बोले कि नाग अश्विन इस पिक्चर को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यार नाग अश्विन ने तो यार रेवाड़ा सुब्रमण्यम और महानती ऐसे नेशनल अवार्ड वाले पिक्चर बनाए। अरे भाई, प्रेजेंट इज यू नॉट पास्ट। पास्ट पे अगर दुनिया चलती तो ऐसे नहीं चलती, ठीक है? आदि पुरुष के टाइम पे भी ये हो रहा था, सब उमराव उतर, मनोज मुंतशिर, कोई सब ट्रोल कर रहे थे, लेकिन प्रभास एंड द होल कास्ट वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। वो साउथ का एक्टर इसके लिए बच गया, कोई बॉलीवुड का एक्टर रहता तो। और क्या एक पीआर स्ट्रेटजी है बाय इंटेंशनली मेकिंग दिस वियर्ड पोस्टर टू मेक दिस टॉपिक अ वेरी हॉट टॉपिक। 21 तारीख को सर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सो गाइस, मैं प्रोजेक्ट का ग्लिम्स का रिएक्शन जरूर करूंगा, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आया ना जेन्युइन तो यार डिसलाइक मार दो, चलेगा। मैं भी बैठ के गिनता हूँ कि कितने लोग का दिमाग दो पैर के बीच में। सो गाइस, मैं मिलता हूं आप लोगों को सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।